लेसन नंबर वन बटन बटन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव नॉर्मा ने स्टीवर्ड के लबोलहजा और रवैये को जारहाना क्यों तसवर किया नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड अटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव बिकॉज ही थाट दैट ही वॉज अ सेल्स मैन नॉर्मा ने स्टीवर्ट के लबोलेजे और रवैये को जारहाना तस्वर किया क्योंकि उसका ख्याल था कि वो एक सेल्स मैन है ही वांटिड टू सेल सम वो कोई चीज़ बेचना चाहता था वाई डेड

ऑर्थर इस चीज को गैर अखलाकी फेल समझता था देर फोर ही डिसअ्रीड विद इज वाइफ इसलिए उसने अपनी बीवी के साथ किया, यानी बीवी के साथ मुतफिक नहीं हुआ वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू अग्री विद हर नॉर्मन ने अपने खावन को अपने साथ मुतफ़ होने की तरगीब क्यों दी नॉर्मा टू गेट मनी नॉर्मा रकम हासिल करना चाहती थी शी वांटेड टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टैंडर्ड वो अपना जिंदगी बेहतर करना चाहती थी देयर फोर नॉर्मा ट्राई टू परसू ए डर हसबैंड टू अग्री विद हर इसलिए नॉर्मा ने अपने खावन को अपने साथ मुतफ़ होने की तरगीब दी What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? पेशकश कबूल करने के लिए नॉर्मा ने अपने शोर को कौन से दलाल दिए told her husband that they would not really kill someone. उसने अपने खावन से कहा कि वो लोग हकीकतन किसी को कत्ल नहीं करेंगे दे वर डूइंग वो तो ये काम किसी रिसर्च के मकसद के लिए कर रहे हैं बट इन रिटर्न लेकिन उसके बदले में दे वुड गेट फिफ्टी थाउजेंड डॉलर उन्हें पचास हजार डॉलर मिलेंगे वाई डिट मिस्टर स्टीवर्ड कंटिन्यू परिस्टर स्टीवर्ड ने नॉर्मा को तरगीब देना क्यों जारी रखा Mr. Knew that Norma was a greedy woman. Mr. जानता था कि नॉर्मा एक लालची औरत है शी वाज़ एन इजी प्रेर फॉर हिम वो उसका आसान शिकार है देर फोर ही कंटिन्यू पर नॉर्मा इसलिए उसने नॉर्मा को तरगीब देना जारी रखा वॉट वॉज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन नॉर्मा को बटन दबाने पर कौन सा पैगाम मिला नॉर्मल रिसिव द मैसेज डेट हर हजबेंड है को पैगाम मिला कि उसके खावन का एक्सीडेंट हो गया था ही हैड डाइड वो मर चुका था

फिफ्टी थाउजेंड डॉलर दोरे हर जाने की वजह से यह पचास हजार डॉलर हो गई थी डेड नॉर्मल रिमेन नॉर्मल ऑन द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बेंड क्या नॉर्मा अपने खावन के हादसा की खबर सुनकर नॉर्मल रही नो no, नहीं Norma did not remain normal on hearing the news of the accident of her husband. Norma अपने खावन के हादसे की खबर सुनकर normal नहीं रही She was deeply shocked and confused. उसे शदीद सदमा पहुंचा और वो हवास बाख्ता हो गई She lost her senses for the time being. आर्जी तौर पर वो अपने हवास खो बैठी